नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सांकरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई थी। सड़कों को बैनर, पोस्टर और झंडों से पाट दिया गया था। जानकारी के अनुसार इस भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हो पाए। देखिए, मैं तो राहुल जी और खड़गे जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन दोनों व्यस्तता कारण से नहीं आ रहे हैं। राहुल जी तो शायद सिर्फ मजदूर वगैरह जाएंगे, जैसे मुझे जानकारी मिली, कन्फर्म नहीं है। और खड़गे जी भी लगातार व्यस्त हैं, इस कारण से उसकी उपस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के सब सदस्य रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, विधायक रहेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य समेत कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रत्येक योजनाओं में कमीशन का खेल खेला, लेकिन हमारी सरकार ने सीधे आम जनता के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। अपने प्रवास में मुख्यमंत्री ने यहाँ करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी। कार की सही नियत से हमन काम करा थन तो हम अल्लाह को रोक नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी के मन किसे छत्तीसगढ़ ला दिवालिया बना दी। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमन पैसा कर्जा नहीं ले आन, देश के सब राज्य में कर्जा ले, केवल उड़ीसा और त्रिपुरा छोड़ के ऐसे कोई प्रदेश नहीं है जिन कर्जा नहीं ले हुई। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार अतेक सब करे के बाद भी कर्जा नहीं ले, तो किसान मन पर लगातार हमन काम करा था। पहली तो 12 लाख किसान पंजीयन करा रही से, और अभी राशि हमन वितरण कर रहे हैं 24.5 लाख से ऊपर किसान लो पैसा दे था, मतलब दुगुना से ज्यादा किसान लो आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ मिला थे। रकबा हमारे बाढ़ गए, उत्पादन बाढ़ गए, ऐसा 50-55 लाख मीट्रिक टन खरीदा दी से, ये साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे, अब तो 20 क्विंटल ले के निर्णय ले ले, अब जाही 1.25 लाख मीट्रिक टन तक के। लेकिन आप देख ले, ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, न बारदाना कमी है, न तौल में परेशानी हुई, न उठाव की कमी हुई, बल्कि मार्च महीना में हम सब सोसाइटी धान सब उठ गए, कोनो जगह एक दाना नहीं, एक बोरा धान आपके कोनो सोसाइटी में मामला नहीं मिला, अतेक सुंदर व्यवस्था। सेड का निर्माण हुआ है गायों के लिए, पर ये जमीन देखिए, गाय के खुर का एक भी निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई गाय आती नहीं है, रहती नहीं है। ठीक बोला था उनका सियान। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भटगांव ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बमुराहा डी के गौठान का निरीक्षण किया और अनियमितता उजागर की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जानकारी दी कि पशुधनों के पेयजल के टैंक में न तो पानी है और न ही पानी आने का कोई स्रोत। गौठान में एक भी गाय न होने की जानकारी भी प्रदेश अध्यक्ष ने दी। इस मौके पर उनके साथ दर्जनों ग्रामवासी और भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। ऐसा लगता नहीं है, ये दिख रहा है कि ये टंकी तो बना है, पानी भरने का इंतजाम नहीं है और कभी पानी भरा नहीं गया है। ठीक बोला था होगा मैं। है 2000 के नोट RBI द्वारा बंद किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई प्रश्न खड़े किए। उन्होंने पूछा कि 2000 का नोट बंद क्यों किया गया, ये समझ से परे है, इसे छापने और बंद कराने में करोड़ों का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निर्णयों से देश के बड़े बड़े व्यापारी देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और काला धन खत्म करने के लिए इसे लाया गया था। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, नोट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब लाया क्यों था ये पता नहीं, अब खत्म कर दिए, अब सितंबर में समाप्त हो जाएगा इस अस्तित्व। तो ये बंद क्यों किया गया, RBI क्या बताया है, क्यों बंद किया गया, और इसे छापने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। उस समय 1000 के नोट 500 नोट को बंद किए थे, उस समय
शासकीय धन का अपव्यय हुआ, अब बंद कर रहे हैं तब अपव्यय हुआ। एक तरफ आप नोटबंदी करते हैं, फिर GST लाते हैं, फिर लॉकडाउन करते हैं। ये तमाम जो गतिविधियां हैं, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, अब फिर अब हो गया IT ED, ये सब कारणों से देश के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों की तादाद में देश छोड़ के बाहर जाते हैं। भारत के करेंसी यही था भाई, शासन का क्या है, सत्ता के पास दंड है, करेंसी है, ये तो इसका प्रभाव है। अब करेंसी का भी विश्वास खत्म हो गया, अब 2000 चलेगा नहीं चलेगा, अब उसी सितंबर तक के आदमी उसी में लगे रहेंगे। 20,000 नोट ही आप बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के बारे में जनता को कभी खुलकर नहीं बताया, न ही इस योजना के संचालन के लिए बजट के स्रोत की बात कही। पूर्व मंत्री ने पूछा कि छत्तीसगढ़ की ये पहली सरकार है जो मुख्यमंत्री के फ्लैगशिप योजना का बजट कहाँ से आएगा ये भी नहीं बता पा रही है। मैं तो आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि गोठान को देखें, और एकमात्र ऐसी सरकार है पूरी दुनिया में जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है नरवा गुरुवा घरवा बारी, उसके लिए एक रुपये का बजट नहीं है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या क्या बनना है, कितनी अवधि में बनना है। आज तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया, ग्राम सभा को अवगत नहीं कराया गया, पंचायत को नहीं कराया गया, और ये थोप दिया गया। जो भूपेश बघेल सोचे वही सही, जो वो कहे वही सही, वही गोठान है, वही सकरी गोठान है, वही सुराजी गांव है। और हम पूछेंगे विधानसभा में क्या मतलब है सकरी गोठान का, क्या मतलब है सुराजी गांव का, फंड कहां से आता है, तो उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। आप ये जादू है कि नहीं है, बजट में एक रुपया नहीं है और 9,000 गोठान बना लिए बोलते हैं उसको। हम यही पूछ देखने जा रहे हैं कौन से फंड से बना है, क्या क्या बनने की घोषणा हुई थी वहां, क्या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और बना है कि नहीं बना है, ये तो जाने और छत्तीसगढ़ की जनता को बताएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार नकली व अवैध शराब बिक्री को संरक्षण देकर आम जनता के जीवन को जोखिम में डाल रही है। उन्होंने राजनांदगांव में कहा कि बिना होलोग्राम और बिना गुणवत्ता के राज्य भर में नकली और अवैध शराब की बिक्री का खेल धड़ल्ले से जारी है। जब शराब की दुकान में 30% बिक रहा है बिना सरकार के अधिकृत रूप से, बिना टैक्स पटाए, बिना उसमें वेट लगाए, बिना एक्साइज ड्यूटी किए, बिना होलमार्क के अवैध शराब दुकान तो सरकार खुद बेचने का काम कर रही है, जिसकी न गुणवत्ता का कोई ठिकाना, और इसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं और मौत हो रही है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाने में पदस्थ आरक्षक उपेंद्र कुमार तिवारी विवादित महादेव ऐप में संचालित होने वाले सट्टे में लिप्त था और अपने ही घर से इसे खिलाया करता था और कमीशन लिया करता था। पैसों के लेन देन को लेकर उसने बातचीत की जो वीडियो के रूप में वायरल हो गया। जब यह वीडियो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के संज्ञान में आया तो उन्होंने आरक्षक को निलंबित कर दिया। 11% में हुआ था, 1% ले रहे थे, मैं मना किया, 10 ही ले रहा था ना मैं, ठीक। अभी दिवाली ऑफर में 5% प्लस आने को हुआ, बिल्कुल। तो भैया मैं क्यों दूं आपको 5% हुआ? अरे उसके लिए मैं आपको बोला भी नहीं, मैं आप मेरे से प्यार से मांगो, मैं पूरा बुक दे दूंगा। नहीं उपेंद्र, लेकिन इस बिजनेस के हिसाब से बात करोगे तो ठीक नहीं है। उपेंद्र भैया मेन क्या चीज हुआ ना, मैं रोशन भैया से बात किया, रोशन भैया मेरे को ना सीधे मुंह पे बोले, ये भी बैठा था रोशन है, रोशन कुछ नहीं है, उसके लिए नहीं मैं यहाँ से चलाता हूँ, वो वहां से नहीं चला रहा। वो मेरे को क्या देखो मालूम है ना, मेरे ही रूम में गेम चल रहा है, लेकिन तेरे क्या बोला, किराया पटाना पड़ा मेरे बोलने पे। ये बात मेरे कौन बताएगा, कोई बताएगा? उसको मैं भेज जाऊं, वो मेरे नहीं।
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टी कांग्रेस व भाजपा जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान की पोल खोलने में लगी है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भरोसे का सम्मेलन में करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। इधर तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 पार्टी है, इसलिए वह चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 की पार्टी है। रोज हमारे कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहते हैं, संगठन के केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके, संगठन को लेके, स्थानीय स्तर में लेके, सब चीज में। तो कांग्रेस तो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है इससे हमको मतलब नहीं है। हमारी तैयारी पूरी है, कल चुनाव हो जाए हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तुरंत। आप तैयारी पूरी है बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहे हैं कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि विपक्ष को सक्रिय होना चाहिए, वैसी सक्रियता उस पर नजर नहीं आ रही। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की टिप्पणियों के मोहताज नहीं है। उनको राष्ट्रीय पार्टी है ऐसा कहा जाता है, मैं तो एक परिवार की पार्टी मानता हूँ उसको। तो ऐसे परिवार के जो साहेब मुंशी चौबदार है ना, सिपाही हवलदार एक परिवार के, उनकी टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण से लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेंगलुरु स्टेडियम से एक संदेश निकला है जिसने कांग्रेस और उससे जुड़े अन्य दलों में एक उत्साह का संचार किया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में चारों कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे, जिसके चलते आम जनमानस समेत कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। और इस शपथ ग्रहण में यहाँ खड़गे जी उपस्थित थे, राहुल जी, प्रियंका जी, शरद पवार जी, नीतीश कुमार जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस शासित चारों राज्य के मुख्यमंत्री सहित तीन जहाँ हमारे गठबंधन की सरकार है, जिसमें तमिलनाडु है, झारखंड है, बिहार है, वो तीनों मुख्यमंत्री उपस्थित थे। तो एक बड़ा संदेश कर्नाटक में बेंगलोर के स्टेडियम से निकला है। निश्चित रूप से इस जीत से जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जो दल हैं उसमें उत्साह का संचार हुआ, कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।